गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम चित्र के साथ स्वर की पहचान करेंगे और उसे कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। ये है अ, अ से अनार, अजगर, अदरक। अ के बाद है आ, आ से आम, आलू, आक। आ के बाद ई, ई से इमली, स्त्री, इमारत। ई के बाद बड़ी ई, बड़ी ई से ईक, ईंट, ईद। ई के बाद ऊ, उससे उल्लू, उपहार, उंगली। ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा उससे ऊन, ऊंट, ऊपर। ऊ के बाद है री, ऋषि, ऋषि, ऋतु, ऋषभ। ए, ऐसे एडी, एक तारा, एक। आई, ऐसे ऐनक, ऐरावत, एम्बुलेंस। आई के बाद है ओ, ओ से ओखली, ओस, ओढ़नी। ओ के बाद है औ, औ से औरत, औषधि, औजार। अंग, अंग से अंगूर, अंडा, अंगूठी। अब हम स्वर का पठन करेंगे। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह। अ आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। अब हम स्वर को कैसे लिखते हैं वो सीखें। पहले हम शेप्स की पहचान कर ले। ये है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को। अब हम स्वर को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो पहले सीखेंगे अ, अ से अनार। तो पहले क करना है, दूसरा क, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर शीरो रेखा, ये बन गया अ, अ से अनार। फिर से एक बार क, दूसरा क, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर शीरो रेखा, ये है अ। अब हम सीखेंगे आ। क, दूसरा क, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक बाजू में स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया आ। आ से क्या होता है, आम। ये है आ, अ से अनार, आ से आम। अभी सिर्फ आपको देखना है ईश्वर को कैसे लिखते हैं, अभी लिखना नहीं है। आज हमने अ से अनार और आ से आम लिखना सीखा। आपको सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है। थैंक यू।